हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया सिंह एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अ न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट 4, इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। इससे पहले की जो यूनिट थी हमारी, जो कि टॉपिक था हमारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया, वो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं और प्लीज़ वॉच इट। एंड अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एज वी नो हैज़ इट्स इवोल्यूशन दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 5000 ईयर्स ओल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो ये हम उन्होंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि ये कोई जो हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो सिस्टम है, ये कुछ ऐसा ये नहीं कि सिर्फ खाली ब्रिटिश के आने के बाद ही डेवलप हुआ हो, बल्कि उससे पहले भी वैदिक टाइम में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। ओके, को ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है क्योंकि 5000 ईयर्स पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली होते थे, वेयर इन द किंग्स वाज ऑल पावरफुल एंड एवरीथिंग इन द किंगडम वाज कैरीड आउट इन हिज नेम। ही वाज असिस्टेड बाय हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो अदर फंक्शनरीज एंड ऑफिसर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द किंगडम। अदर वर्ड्स, इन द एंशियंट टाइम्स पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द किंगडम वाज सेंट्रलाइज्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंग। तो पहले प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो होते नहीं थे, तो जो भी ऑल ओवर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर थी, देवर इन द हैंड्स ऑफ द किंग। जो मेन सुप्रीम अथॉरिटी थे वो किंग थे। दिस वॉज फॉलोड बाय द वैदिक पीरियड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मतलब ये जो है हमारा वैदिक टाइम से ही चला आ रहा है। ओके, इट दिस वॉज फॉलोड बाय द वैदिक पीरियड एंड अर्ली वैदिक आर्यंस वर ऑर्गेनाइज इन टू ट्राइब्स रेदर देन द किंगडम्स। तो वेदिक टाइम में अगर हम लोग देखें तो समय तो ट्राइब्स वगैरह होती थी, तो वो एक ट्राइब्स ग्रुप्स ऑफ ट्राइब्स होते थे जो कि ऑर्गेनाइज्ड थे प्रॉपर वे में, एंड द चीफ ऑफ द ट्राइब वाज कॉल्ड एज राजन। ठीक है, और द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी राजन की, अगर आज के टाइम में अगर राजन देखे तो राजन का मतलब होता है किंग। तो वही चीज ट्राइब्स में भी जो उनके जो हेड होते थे, चीफ जो होते थे ट्राइब के, उसको राजन कहते थे। मतलब सिमिलर टू किंग वॉज टू, मतलब ही वॉज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द ट्राइब। ही वॉज एडेड बाय द सेवरल फंक्शनरीज इंक्लूडिंग द पुरोहित, द सेना, दूतास एंड द स्पैश, यानी स्पाइस। ठीक है, इन सब की मीनिंग ब्रैकेट में दी गई है। द वैदिक पीरियड और द वैदिक एज गेट इट्स नेम फ्रॉम द वेदास एंड अर्ली वैदिक आर्यंस वर ऑर्गेनाइज इन टू द ट्राइब्स रेदर देन द किंगडम्स। ओके, तो जो हमारे अर्ली वैदिक आर्यंस थे, तो देवर ऑर्गेनाइज इन टू द ट्राइब्स, तो एक उनका जो उन लोगों को ऑर्गेनाइज किया था ट्राइब्स में रैदर देन द किंगडम्स, क्योंकि उनको पता है कि ट्राइब्स किंगडम्स से थोड़े छोटे होते हैं एंड किंगडम्स वेल सेटल्ड किंगडम्स होते हैं बाउंड्रीज के साथ। ठीक है, तो जो ट्राइब्स होती हैं उनमें कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती, दे अलग ग्रुप ऑफ द पीपल एंड दे आर ऑर्गेनाइज मैनर में वो लोग अपने फंक्शंस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी आउट करते हैं। तो जो चीफ ऑफ द ट्राइब जो था वो राजन था, और अच्छा ये रिपीटेड हो गया है। तो हाउएवर द ऑटोनॉमी जो थी ऑफ द राजन की, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय द ट्राइबल काउंसिल्स कॉल्ड द सभा और एंड द समिति। ओके, तो ये जो अब जैसे कि किंग है, तो उसकी ऑटोनॉमी चेक करने के लिए जो है अलग एक असेंबली होती थी, या एक एक एक, एक पूरा सेट ऑफ मेंबर्स बनाया जाता था जो कि ऑटोनॉमी किंग की चेक करेगा। तो इन द सेम वे जो ऑटोनॉमी ऑफ द राजन है, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय द ट्राइबल काउंसिल्स। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है कि भाई उसकी ऑटोनॉमी पावर कौन चेक करेगा, तो वो ट्राइबल काउंसिल चेक करेगी, जिसको सभा या समिति कहते हैं। ठीक है, ये इतना जो ऊपर की जो चार लाइन है ये सेम वहीं की हैं। ठीक है, तो यहाँ से हाउएवर द ऑटोनॉमी ऑफ द राजन से कंटिन्यू करिएगा। देन इन द लेटर वैदिक पीरियड द ट्राइब्स हैड कंसोलिडेटेड इन टू स्मॉल किंगडम्स। ठीक है, विच हैड अ कैपिटल एंड रूडिमेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द राजन वॉज सीन एज अ कस्टोडियन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ राष्ट्र, राष्ट्र एनी पॉलिटी। तो जो राजन है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि इट वॉज सीन एज अ कस्टोडियन ऑफ द सोशल ऑर्डर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द राष्ट्र। हेरिडिटरी किंगशिप स्टार्टेड एमर्जिंग एंड रिचुअल्स इन दिस एरा एग्जाल्टेड द स्टेटस ऑफ द किंग ओवर हिज पीपल। ही वॉज ओकेजनली रिफर्ड टू एज सम्राट, यानी सुप्रीम रूलर। द राजन्स इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पावर इनेबल्ड हिम टू गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो राजन था, जो राजा थे, ही वॉज इंक्रीजिंगली ही वॉज हैविंग द पॉलिटिकल पावर विच इनेबल हिम टू गेन द ग्रेटर कंट्रोल ओवर द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो ये तो नॉर्मल किंग की तरह ही है कि चाहे वो उसके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हों, चाहे रिचुअल्स वगैरह में, चाहे कैपिटल हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे लोग हों, सब पे जो है उसकी पॉलिटिकल उसकी पावर रहती है, राजन का कंट्रोल रहता है। और द वॉलेंटरी गिफ्ट ऑफरिंग बिकेम अ कंपल्सरी ट्रिब्यूट, देयर वॉज नो ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ द टैक्सेशन। ये सब वहाँ के फंक्शनिंग के बारे में बताया जा रहा है इसमें, कि कोई भी ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टैक्सेशन नहीं था, सभा समिति वॉज स्टिल
देयर बट विद इंक्रीजिंग पावर ऑफ द राजन देयर इन्फ्लुएंस डिक्लाइन. ठीक है, आज अभी भी हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी मिनिस्टर है तो उसके पास इतनी ऑटोनॉमी है, उसको चेक करने के लिए है उसकी पावर को, बट स्टिल इट कंटेन सो मच ऑफ डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे, बट बाय द एंड ऑफ द लेटर वैदिक एज different kinds of political systems such as monarchical states, oligarchic states and tribal principalities has started emerging. Okay, so ये सब जो various types of political systems हैं, ये सब क्या states हैं जो कि with the declining of by the declining of Vedic age, later Vedic age के बाद से ये सब states जो थी वो आने लगी थी, develop होने लगी थी. Okay, they started emerging. सो इकॉनमी, अब ये तो बात होगी कि वैदिक एज की और ड्यूरिंग दैट टाइम जो किंग था उसके पास क्या क्या राजन्स के बारे में और उन सब की क्या पावर्स थी, क्या लिमिटेशन थी, वो हो गया. तो इकॉनमी की बात करते हैं. इकॉनमी इन द वैदिक पीरियड वॉज सस्टेन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ पास्टोरलिस्ट एंड एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ. इकॉनमिक एक्सचेंजेस वर कंडक्टेड बाय गिफ्ट गिविंग, पर्टिकुलरली टू चीफ्स एंड प्रीस्ट, एंड बाटर सिस्टम वॉज देयर वेर इन कैटल वर यूज एज अ यूनिट ऑफ करेंसी. ओके, तो इकॉनमी यानी मनी से रिलेटेड. तो उस समय पर मनी तो था नहीं, तो बाटर सिस्टम फॉलो होता था जहाँ पे कैटल वॉज यूज एज अ यूनिट ऑफ करेंसी. ठीक है, जैसे कि गाय वगैरह जो होती थी, एनिमल्स वगैरह जो होते थे वो यूज़ किए जाते थे कि इन द एक्सचेंज ऑफ देम उसके बदले में कोई चीज़ खरीदना. तो ट्रांजिशन ऑफ द वैदिक सोसाइटी फ्रॉम सेमी नोमैडिक लाइफ टू सेटल्ड एग्रीकल्चर इन द लेटर वैदिक एज लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि पहले नोमैड्स थे, उसके बाद जब से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो एक सेटल्ड लाइफ जो थे ह्यूमन बींग्स जीने लगे, और फिर जब एक सेटल्ड एग्रीकल्चर होने लगा तो ट्रेड एंड कॉम्पिटिशन भी फॉर रिसोर्सेज बढ़ने लगा. सो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटी अलॉन्ग द गेंजेस वैली ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशन ग्रो इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूसेज ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स इंक्रीज. ओके, बाय द टाइम ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी केम इन टू पावर द ट्रीटीज ऑफ द कौटिल्य नेमली अर्थशास्त्र बिकेम अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी. सो कौटिल्य वॉज अ स्कॉलर एट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी. एवरीबडी नो अबाउट द कौटिल्य हु वॉज अ टीचर एंड द गार्जियन ऑफ द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मतलब ही वॉज अ टीचर जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रिपेयर किया टू बी अ दैट किंग. ठीक है, और उनकी जो किताब है अर्थशास्त्र वो तो सबको पता है इकोनॉमिक इकॉनमी से रिलेटेड है, जो काफ़ी सारे इसमें प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज हैं कौटिल्य की, स्ट्रैटेजीज हैं जो हम लोग आज भी अपनाते हैं. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज वेल डेवलप्ड एंड द ट्रीटीज ऑफ कौटिल्य गिव्स अ वेरी फर्स्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द सेम. द मॉडर्न पीरियड वॉज अ एरा ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. डिसेंट्रलाइजेशन was prevalent as a village units played a very important role as a base of grassroots administration. Empire was divided into the provinces, provinces into the districts and districts into the rural and urban centers for the efficient administration. So, देखो empire कैसे divided था कि जैसे कि हम लोग अभी देखते कि पूरी country है, country के अंदर states हैं, states के अंदर districts हैं, ठीक है, districts के अंदर और villages हैं, village divided into the provinces, provinces into the districts and districts into the rural and urban centers for the efficient administration. Okay, तो इतना ही आज के लिए है, और इसके बाद का जो next topic है it contains the concept of pod, gram. ये material है ना, ये local administration in ancient India का है, जो कि हम लोग देखते हैं कि जो पूरा administration कैसे evolve हुआ ancient India में. तो ये वो चीज़ है कि वैदिक civilization, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मॉडर्न पीरियड में कैसे सब कुछ चला था, क्योंकि हमने देखा कि भाई ट्राइब्स थी, ट्राइब्स का जो चीफ था वो राजन था, और राजन जो था वो उसके सेवरल फंक्शनरीज थे. ठीक है, तो वो हम लोग उसके बाद किंगशिप कैसे एमर्ज हुआ, और फिर स्लोली स्लोली बाय द एंड ऑफ द लेटर वैदिक एज कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स आए, मोनार्कियल स्टेट्स एंड ओलिगार्की गाई, फिर ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज आर स्टार्टेड एमर्जिंग. तो ये क्या, ये एक तरीके से इवोल्यूशन है, कैसे इवॉल्व हुई चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डेवलप हुआ. ठीक है, और इकॉनमी में हम लोगों ने बात किया कि भाई इकॉनमी में बाटर सिस्टम पहले स्टार्ट होता था, फिर उसके बाद जैसे सेटल लाइफ हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी डेवलप हुआ, उसके साथ कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ. तो कहीं ना कहीं इकॉनमी जो थी, जैसे इंडिया इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकॉनमिक एक्टिविटी, तो ये वो चीज़ थी, ग्रू इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूसेज ऑफ द आयरन इम्प्लीमेंट्स हैज इंक्रीज. देन बाय द टाइम ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी, फिर जो यहाँ पे फिर मॉडर्न पीरियड की बात हो रही कि भाई कौटिल्य थे, और फिर कैसे उनकी लीडरशिप, उनके
गाइडेंस में चंद्रगुप्त मौर्य रेडी हुए, और फिर उस समय पे जो मेजर डेवलपमेंट हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, तो फिर वहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, फिर विलेज यूनिट्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और अब यहाँ पे जो प्रॉपर एक सिस्टम स्ट्रक्चर डेवलप हुआ पूरी की पूरे एम्पायर का, कि भाई एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, प्रोविंसेस इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, एंड डिस्ट्रिक्ट्स इनटू द अर्बन एंड द रूरल सेंटर्स फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ से फिर हम लोग देखते हैं कि भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इवॉल्व होकर आया है। हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश एरा की बात नहीं करेंगे, हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम की बात नहीं करेंगे, हम बस खाली यहाँ पे एक बेसिक सा देख रहे हैं कि ठीक है मॉडर्न पीरियड तक यहाँ पे आते आते हमारा जो एम्पायर था, हमारा जो किंगडम था, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलप हो चुका था, एमर्ज हो चुका था। ओके, तो इसके बाद जो है हम लोग और डीप में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग ग्राम के यानी जो मेन कैपिटल है हमारा, जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका पार्ट सेकेंड आएगा जिसमें मैं इसके बाद का कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट मोर एंड मोर अमंग योर फ्रेंड्स so that it can be helpful to them also, और आगे की वीडियोज़ भी अपलोड होती रहेंगी। प्लीज़ आप लोग देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू।